हे गाइस, वन सेकंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आई लव डिजाइन। तो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सीखा था शेप टूल के बारे में कि शेप टूल हम कैसे यूज करते हैं, और उसकी कुछ प्रॉपर्टी के बारे में भी हम लोगों ने डिटेल्स में जो है पढ़ा था। तो आई होप आप लोग को पिछली वीडियो पसंद आई होगी और शेप टूल भी आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों ने पिछली क्लास नहीं देखी है तो यहाँ ऊपर आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा, आप लोग जाके जरूर देखें। और मैं आप लोग को एक चीज फिर से बता दूं कि अब हम एडवांस क्लास की तरफ आ गए हैं। बेसिक जो क्लासेस थी हमारी वो खत्म हो चुकी हैं, तो आप लोग पिछली क्लास नहीं देखी है तो जरूर देखें। वाकई में अगर आप कोरल ड्रॉ सीखना चाह रहे हैं तो आप लोग को कोरल ड्रॉ जो है स्टार्टिंग से सारी चीजें देखनी होंगी, सारी चीजें आप लोग को समझनी होंगी, तभी आप लोग जो है कोरल ड्रॉ को सीख पाएंगे। तो आज मैं आप लोग को सिखाने वाला हूं पैरेलल ड्राइंग के ऊपर। जी हाँ, शेप टूल के अंदर एक छोटा सा पैनल है पैरेलल ड्राइंग। ये 2019 के बाद के वर्जन में जो है अपडेट हुआ है, इससे पुराने वर्जन में जो अवेलेबल नहीं था, तो ये न्यू फीचर है। तो पैरेलल ड्राइंग इसी का पार्ट है शेप टूल का ही। मैंने आप लोग को पिछले ट्यूटोरियल में इसको स्किप कर दिया था, मैं आज आप लोग को ये चीज बताने वाला हूं। और पैरेलल ड्राइंग हमारा होता क्या है, पैरेलल ड्राइंग हम क्यों यूज करते हैं। पैरेलल ड्राइंग जो हमारा बेसिकली किसी आउटलाइन या किसी ब्रश स्ट्रोक या किसी हम कह सकते हैं कि सिंगल लाइन पे वर्क करता है, और इसका ज्यादातर यूज हम करते हैं अगर हम कोई आर्किटेक्चर पे डिजाइन कर रहे हैं या कोई फ्लोर प्लान हम बना रहे हैं या कुछ आउटलाइन या फिर स्ट्रोक से रिलेटेड कुछ अगर हम वर्क कर रहे होते हैं तो उस जगह पे हमारा जो है पैरेलल ड्राइंग बहुत ज्यादा काम करता है। तो क्या है पैरेलल ड्राइंग और कैसे यूज करते हैं, तो ये सब सीखने के लिए हमको चलना होगा अपने आज की क्लास की तरफ। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए आज का ट्यूटोरियल हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल आई लव डिजाइन को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आप लोग को आज का ट्यूटोरियल जो है पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोग को आज की वीडियो कैसी लगी और आप लोगों ने आज की वीडियो में क्या सीखा। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। ऑलराइट, वेलकम बैक दोस्तों, हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर जो है आ गए हैं। पैरेलल ड्राइंग ऑप्शन इनेबल करने के लिए यहाँ दो तरीके हैं। एक तरीका यह है कि आप यहां से कोई भी शेप ड्रॉ कर लें। शेप आप जैसे ड्रॉ करेंगे तो उसको कर ले पहले कन्वर्ट टू कर्व। आप प्रॉपर्टी बार में जाएंगे तो यहां ऑप्शन है कन्वर्ट टू कर्व का, आपको यहां कन्वर्ट टू कर्व पे जो है क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका शेप कन्वर्ट टू कर्व में हो जाएगा। फिर आपको यहां से शेप टूल लेना है। आप जैसे शेप टूल लेंगे तो ऊपर प्रॉपर्टी बार में देखेंगे तो यहां पर आपको मिलेगा पैरेलल ड्रॉइंग का बटन। आप जैसे इस बटन पर क्लिक करते हैं तो यहां पर पैरेलल ड्रॉइंग का जो है पैनल ओपन हो जाता है। ओके, दूसरा तरीका है कि बहुत इजी है और बहुत शॉर्टकट है, मैं हर बार इसी तरीके को जो है यूज करता हूं। आपको सिंपली कोई भी एक लाइन टूल जो है सेलेक्ट कर लेना है। यहां से मैं फ्री हैंड टूल पर जैसे क्लिक करूंगा तो प्रॉपर्टी बार में आप ऊपर आएंगे तो यहां पे आपको पैरेलल ड्रॉइंग का जो है बटन मिल जाएगा। आप जैसे इस बटन पर क्लिक करते हैं तो यहां पर आपका ऑप्शन जो है आपको मिल जाएगा पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के लिए। अगर आप जैसे मैं अगर कोई सिंगल लाइन इस तरीके से ड्रॉ करता हूं तो मेरा ये लाइन ड्रॉ हो रहा है, बट मैं चाह रहा हूं कि मैं ऐसे ही मल्टीपल पैरेलल लाइन ड्रॉ करना जिसकी लंबाई सेम हो, थिकनेस उतनी हो, तो उस तरह की लाइन को ड्रॉ करने के लिए हम पैरेलल ड्रॉइंग का यूज करते हैं। तो मैं चाह रहा था कि इसी तरह की लाइन को मैं और भी मल्टीपल नंबर ऑफ वैल्यू में जो है ड्रॉ करूं, तो उसको ड्रॉ करने के लिए आप पहले इस बटन को इनेबल कर ले पैरेलल लाइन को। तो आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपका ये बटन अब एक्टिव हो चुका है। मैं जैसे इस तरीके से लाइन को ड्रॉ करता हूं तो अब आप देख सकते हैं कि मेरा लाइन जो है ड्रॉ हो गया है, और आप ये देखेंगे कि मैंने सिंगल लाइन ड्रॉ करी बट यहाँ पे डबल लाइन जो है ड्रॉ हुई है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने नंबर ऑफ वैल्यू जो है 2-1 दे रखी थी। अगर हम यहां से नंबर ऑफ वैल्यू बढ़ाएं, अगर मान लीजिए यहां से मैं 5 करता हूं और एंटर प्रेस करता हूं, अब जब मैं लाइन इस तरीके से ड्रॉ करूंगा तो वो एक साथ 5 लाइन मुझे ड्रॉ करके देगा। आप देख सकते हैं कि ये 5 लाइन जो है क्रिएट हो गई है। इसी तरीके से आप जितना मर्जी उतना नंबर ऑफ वैल्यू जो है बढ़ा के अपना लाइन जो है क्रिएट कर सकते हैं इस तरीके से, लाइक दिस। इसी के साथ यहाँ पे
बगल में है कि डिस्टेंस, आप लाइन जब भी कोई लाइन क्रिएट कर रहे हैं तो उसमें आप डिस्टेंस जो है कितना देना चाह रहे हैं, तो आप यहां से वो डिस्टेंस भी जो सेट कर सकते हैं। अभी मैंने यहां पर 10 पिक्सल डिस्टेंस जो है सेट कर रखा था, तो इनके बीच में जो है 10 पिक्सल का गैप था। अगर मैं यहां पे 40 पिक्सल डिस्टेंस करूं और एंटर प्रेस करूं, अब जब लाइन में ड्रॉ करूंगा इस तरीके से लाइन टूल से, तो उनके बीच में 40 पिक्सल का जो है गैप आएगा लाइक दिस। आप देख सकते हैं कि इनके बीच में जो डिस्टेंस अभी आ रहा है वो 40 पिक्सल का डिस्टेंस है। तो आप यहां से इस बटन से भी आप अमाउंट देकर डिस्टेंस को जो है मैनेज कर सकते हो, और यहां से आप टाइप करके भी अपने अमाउंट देकर यहां से डिस्टेंस को जो है मैनेज कर सकते हैं। और यहां पे ये बटन है कि अगर आप इंटरेक्टली भी अगर डिस्टेंस जो है सेट करना चाह रहे हैं खुद से कि आपको कितना डिस्टेंस देना है, तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप सिंपली इस बटन पे जो है क्लिक करिए एक बार, और आपको कितना डिस्टेंस देना है आप इस तरीके से ड्रैग करके डिस्टेंस की जो है अमाउंट इस तरीके से सेट कर दीजिए। पहले हमने 40 पिक्सल्स लिया था, अब मैं थोड़ा सा बढ़ा के और इसको 100 कर दूं एंड छोड़ दूं। अब जब मैं लाइन को ड्रॉ करूंगा इस तरीके से, तो उनके बीच में 100 पिक्सल का गैप आएगा। आप देख सकते हैं कि कितना डिफरेंस इसमें आ गया है। तो आई होप आपको ये चीज जो है समझ में आ गई होगी। तो इन सबको मैं करता हूँ सेलेक्ट और यहां से करता हूँ डिलीट, एंड फिर से मैं लूंगा फ्री हैंड टूल, और इसी के साथ बगल में है प्रीव्यू लाइंस। अभी अगर आप देखेंगे मैं कि जैसे कोई लाइन अगर ड्रॉ करता हूं, तो मेरा लाइन ड्रॉ होने के बाद जो है मेरा प्रीव्यू मुझे मतलब रिजल्ट मेरा दिखा रहा है, बट मैं ये चाह रहा हूं कि मैं जब भी लाइन ड्रॉ करूं तो मुझे उसका साथ घर मुझे प्रीव्यू दिखाता रहे, तो आपको इस बटन पे क्लिक करना होगा। तो बट यहां से पहले मैं इसका डिस्टेंस जो है कम कर दे रहा हूं क्योंकि बहुत ऊपर चला जा रहा है। यहां से मैं 20 पिक्सल करके एंटर प्रेस कर दे रहा हूं, और यहां से मैं प्रीव्यू मोड जो है ऑन कर दे रहा हूं। अब मैंने प्रीव्यू मोड जो है ऑन कर दिया है, बटन यहां से एक्टिव है। अब मैं कोई लाइन ड्रॉ करूंगा तो आप देख सकते हैं कि साथ के साथ ये प्रीव्यू आपको जो है दिखा रहा है। ओके, तो यहां से प्रीव्यू मोड भी आप जो है ऑन कर सकते हैं। इसी के साथ यहां पे नेक्स्ट बटन आपका क्या है, नेक्स्ट बटन है क्रिएट फ्रॉम सेलेक्टेड। सपोज करिए मैंने कोई लाइन इस तरीके से जो है ड्रॉ करी, ड्रॉ करने के बाद मैं चाह रहा था कि मैंने 8 लाइन ड्रॉ करी है, मुझे इसके अंदर 2 लाइन और ऐड करनी है, मुझे 10 लाइन ऐड करने की जरूरत थी बट मैंने 8 ही करी, बट इसके अंदर मैं 2 लाइन और जो है ऐड करना चाह रहा हूं। तो आप यहां से सबसे पहले नंबर ऑफ वैल्यू यहां से बढ़ा दें, कितनी लाइन आपको ऐड करनी है, आप यहां से 2 क्लिक करें, एंटर प्रेस करें, फिर यहां से आप इस बटन को जो है जैसे इस बटन पे क्लिक करेंगे तो इस बटन का काम क्या है, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्टेड, जो आपने लाइन सेलेक्ट कर रखी होगी तो उस सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट पे अमाउंट उतना बढ़ा देगा। अब जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा तो आप इस वाले ऑब्जेक्ट पे जो है फोकस करना, इस पे 2 लाइन जो है और इसके अंदर ऐड हो जाएंगी। मैं जैसे इस पे क्लिक करता हूं तो लाइक दिस आप देख सकते हैं कि इसके अंदर 2 लाइन और जो है ऐड हो गई है। तो इस तरीके से आप और भी लाइन जो है ऐड कर सकते हैं। और अगर आप चाह रहे हैं कि कोई कर्व लाइन जो है ड्रॉ करना, तो आप इस तरीके से कर्व लाइन जो है ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे मर्जी आप वैसे आउटलाइन ड्रॉ कर सकते हैं मल्टीपल ऑफ वैल्यू के साथ। अगर आप एक साथ 10 कर्व लाइन ड्रॉ करना चाह रहे हैं तो वो भी इसके अंदर इस तरीके से पॉसिबल है लाइक दिस, इस तरीके से। अच्छा, एक चीज मैं आपको और समझा दूं, जैसे मैंने यहां से दोबारा फ्री हैंड टूल लिया, और इसमें 2 चीज ये है कि अभी अगर जैसे कि मैं लाइन ड्रॉ करता हूं इस तरीके से, तो आप देख सकते हैं कि जो मेरा कर्जर है इस समय ये वाला, तो यहां मेरा लेफ्ट साइड में है क्योंकि हमने यहां पे लेफ्ट पैरेलल ऑन लाइन जो है सिलेक्ट कर रखा था। अगर हम राइट पे क्लिक करते हैं तो अब जब हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो हमारा ऊपर राइट साइड में जो हमारा कर्जर चला जाएगा, तो ये लेफ्ट और राइट पोजिशन जो है चेंज करने के लिए इसका हम यूज करते हैं। तो आई होप आप लोग को ये चीजें जो है क्लियर हो गई होंगी। पैरेलल लाइन की हेल्प से हम जो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट जो हम क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने इसको 8 अमाउंट दिया और इसको एंटर प्रेस किया, यहां से इसको ये कर देते हैं और प्रीव्यू मोड जो मैं यहां से हटा दे रहा हूं। और अगर मैं कोई पेन टूल की हेल्प से अगर मैं कोई इस तरीके से लाइन ड्रॉ करता हूं लाइक दिस, इस तरीके से मैं ड्रॉ करूं, और आप देख सकते हैं कि यहां पे इस तरीके से जो है मेरा ये एक छोटा सा ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट कर लिया है। ये एक वाईफाई के सिंबल जैसा है। अगर यहां से मैं इसका अमाउंट अगर बढ़ाऊं तो आप देख सकते हैं कितना शॉर्टकट तरीके से जो हमने वाईफाई का एक छोटा सा जो हमने लोगो इस तरीके से क्रिएट कर लिया है। इसकी हेल्प से हम जो कोई ग्राफ वगैरह अगर बनाना चाहें तो वो भी जो हम बना सकते हैं, बहुत इजी है। आप सिंपली एक बार लाइन यहाँ क्लिक करें और एक लाइन यहाँ क्लिक करें तो मल्टीपल देखिए वैल्यू जो है क्रिएट हो गई है। आप यहाँ से अमाउंट जो है बढ़ा भी सकते हैं। अगर मैं दोबारा 8 लाइन जो है क्लिक करूं और इसी में ही ऐड कर दूं तो इस तरीके से अमाउंट के अंदर ऐड हो जाएगा। सबको एक साथ सेलेक्ट करें और बीच में क्लिक करें, यहां से रोटेट करें इस तरीके से, और स्पेस बार प्रेस करेंगे तो डुप्लीकेट हो जाएगा।
तो इस तरीके से आप कोई ग्राफ टेबल वगैरह भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसके जो है बहुत सारे यूज हैं पैरेलल ड्राइंग के, बहुत सारे काम को जो है आपके ये फास्ट कर देगा और बहुत ज्यादा मतलब यूज आने वाला है। नया फीचर्स था इसलिए बताना आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट था। तो छोटी छोटी चीजें इसके अंदर आप बहुत फास्टली जो है क्रिएट कर सकते हैं बहुत कम समय में। ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए इतना दो एग्जांपल दिया है, आप बहुत अच्छी अच्छी चीजें जो है इसके अंदर क्रिएट कर सकते हैं। बहुत इजी ऑपरेट है, बस आपको समझने की देरी है और प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप अगर प्रैक्टिस जितना बेटर अच्छे से करेंगे तो आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना बेटर रिजल्ट आप लोग को मिलेगा। तो प्रैक्टिस जरूर करें और इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करें, समझे इस टूल को, बहुत ज्यादा काम आने वाला है आप लोग के। तो आई होप दोस्तों आप लोग को ये छोटा सा ट्यूटोरियल जो है पसंद आया होगा और क्लास भी आप लोग को जो है कम्प्लीटली समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों ये था पैरेलल ड्राइंग के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट बातें, आप लोग को समझाना बहुत जरूरी थी, न्यू फीचर्स था इसलिए आप लोग को बताना बहुत जरूरी था। तो आई होप आप लोग को चीजें जो है समझ में आ गई होगी और क्लास भी आप लोग को समझ में आ गई होगी। प्रैक्टिस जरूर करें, प्रैक्टिस करेंगे तो ही आप लोग कुछ चीजें जो है क्लियर होंगी। तो आप लोग को वीडियो कैसे लगी जरूर बताएं कमेंट करके, और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में इंटरेस्टिंग से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।